ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी पहाड़िया समुदाय के वीर सिपाही थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज अंतर्गत गांव तिलकपुर में हुआ था। इन्होंने सन 1771 से 1784 तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लंबी लड़ाई छेड़कर स्थानीय महाजनों और सामंतों की नींद को उड़ाए रखा। संथालों द्वारा किए गए प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी तिलका मांझी ने किया था। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए और जैसे ही घोड़े पर सवार अंग्रेज सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड उस ओर आया, इन्होंने अपने जहरीले तीर से उसे मार गिराया। एक रात तिलका मांझी और के क्रांतिकारी साथी पारंपरिक उत्सव मना रहे थे, तभी अचानक इन पर हमला कर दिया गया। अचानक हुए हमले से तिलका मांझी तो बच निकले, लेकिन अनेक लोग मारे गए। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेज अफसर आयर गुट के नेतृत्व में तिलका मांझी को बंद बना लिया गया और उन्हें घोड़े से बांधकर मीलों मील घसीटते हुए भागकर बुलाया गया। मीलों घसीटे जाने के बावजूद वो वीर सिपाही जीवित रहा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के हाथों उसे भागलपुर के चौराहे पर स्थित विशाल वृक्ष से लटकाकर सरेआम फांसी दे दी गई। वो महान देशभक्त हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। बाद में आजादी के लड़ाकों ने तिलका मांझी का अनुसरण करते हुए गीत गाए, हंसी हंसी चढ़बो फांसी। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।